सरयू नदी के किनारे अयोध्या नाम का एक सुंदर राज्य था। अयोध्या के राजा थे राजा दशरथ। उनकी 3 रानियां और 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जब राजा दशरथ ने राम को राजा बनाने की घोषणा की तब सभी लोग बहुत खुश हुए, लेकिन रानी कैकेयी खुश नहीं थी। महाराज, क्या आपको याद है आपने मुझे 2 वचन दिए थे? आज उन वचनों को पूरा करने का समय आ गया है। मेरा पुत्र भरत राजा बने और राम 14 वर्ष के वनवास को जाए। राजा दशरथ की आज्ञा पाकर राम और लक्ष्मण सीता के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए। पंचवटी में सीता माता ने एक सुनहरे रंग के मृग को देखा। रंग सुनहरा, मृग अति सुंदर, सीता मन को भाए, कोई जाए इस मृग को अति शीघ्र ले आए। सीता माता की इस बात को सुनकर श्री राम मृग की खोज में जंगल की ओर निकल गए। बहुत देर हो गई, प्रभु राम अभी तक लौटे नहीं। लक्ष्मण, लक्ष्मण, हे सीते, हे सीते। लक्ष्मण, लक्ष्मण देखो, प्रभु तुम्हें अपनी सहायता के लिए पुकार रहे हैं। हे माते, ये मुझे किसी मायावी शक्ति का कार्य लग रहा है। आप चिंतित ना हो, भैया जल्दी घर लौट आएंगे। नहीं लक्ष्मण, मेरी आज्ञा का पालन करो। जाओ, प्रभु को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। ठीक है माते, किंतु आप इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना। रावण को ज्ञान था कि वो लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने साधु बनने का ढूंढ रचा और सीता माता को उठाकर ले गया। हे मुनिवर, भिक्षा स्वीकार कीजिए। हे देवी, एक साधु का इतना नाता, घर के द्वार से ही भिक्षा देकर भेजना चाहती हो? जाओ, नहीं चाहिए तुम्हारी भिक्षा। नहीं नहीं मुनिवर, रुकिए, मैं आती हूँ। सीता माता को कुटिया में ना पाकर बहुत चिंतित हुए और उनकी खोज में निकल गए। श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान ने लंका पर चढ़ाई कर दी और राम और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें श्री राम विजयी हुए। इस दिन को विजयदशमी कहा जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है।